नमस्ते, कैसे हो आप सब। या पर इस वीडियो के दौरान राइजिंग ओएस 2.0 का जो बीटा अपडेट है उसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। या पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर राइजिंग ओएस को इंस्टॉल किया है। सबसे पहले पर बात कर लेते होम स्क्रीन के साथ, तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। या पर वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। क्विक सेटिंग्स पैनल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड कुछ इस तरह से जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट काम कर जाएगा, नाइट लाइट मोड का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इसके साथ जो है बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। पावर बन के साथ जो है यहाँ पर ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, रिकवरी बूट लोडर को जो है यहाँ पर रिबूट करने का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है लाइट थीम के साथ जो है यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल जो है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड एंड्रॉयड की अगर बात करें यहाँ पर एंड्रॉयड के साथ जो है यहाँ पर जो ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन की अगर बात करें, ये जो रॉम है तो एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर लेटेस्ट नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.14 कर्नेल के साथ। एंड यहाँ पर राइजिंग ओएस का जो बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है। इस रॉम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। सेटिंग्स में की अगर बात करें, जो सेटिंग्स में है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, रीडिजाइन सेटिंग्स में देखने को मिलेगा। इवन जो अबाउट फोन है ये भी कम्प्लीटली यहाँ पर जो है चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से जो है यूआई देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पर बात कर लेते कस्टमाइजेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन थीम, नोटिफिकेशन, साउंड का ऑप्शन है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जो है एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन से जो यहाँ पर पावर मेनू को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, प्लस स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल है। थीम्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है यूआई देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, आइकॉन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, मॉनिट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इवन जो सेटिंग्स मेनू है इसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, तो इसे भी एनेबल करके देखते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद जो है सिस्टम यूआई को जो है पर रीसेट करना होगा। एंड उसके बाद जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा, जो यूजर इंटरफेस है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर थीम में जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ से आप जो है एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। एनीवे फिर से जो है सेटिंग्स मेनू को जो है ओपन करते हैं। एंड कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, जो एनिमेशन है काफी स्मूथ है, पर जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सरसबर के साथ जो है यहाँ पर सरसबर आइकॉन का ऑप्शन है, बैटरी बार बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज वेन चार्जिंग का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन को सरसबर के ऊपर जो है यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाएगा। एंड नोटिफिकेशन काउंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है इसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। बैटरी परसेंटेज को आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है यहाँ पर एनेबल कर सकते हो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर सेटिंग्स को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। जो कॉलम्स एंड रो है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पर लेबल को हाइड कर दिया है, वर्टिकल लेआउट को जो है पर एनेबल कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर अप्लाई चेंज में टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड लॉक स्क्रीन में से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को जो है यहाँ पर हाइड करने का ऑप्शन है, प्लस जो ओपेसिटी है, जो ब्लर है, अगर आप चाहो तो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ब्लर को भी एनेबल कर पाओगे। एंड क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है उस बीच एडजस्ट करने का ऑप्शन है। इवन अगर आप चाहो तो एंड्रॉयड 11 जैसा क्विक सेटिंग्स पैनल को भी आप यहाँ पर जो है
एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो वॉल्यूम पैनल है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। देख सकते हो जिस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देखने को मिल जाएगा, अलग अलग वॉल्यूम पैनल का जो यूजर इंटरफेस है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर साउंड के साथ जो है एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम मीडिया आउटपुट का ऑप्शन है, जो स्क्रीन शॉट साउंड उसे डिसेबल कर सकते हो। वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बैटरी यूजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने इस रॉम को जो लगभग 4 डेज से यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अगर आप हेवी यूज करोगे 120 हर्ट्ज के साथ तो लगभग जो है 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। बैटरी ड्रेन काफ़ी कम देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर फुल 100% चार्ज करके जो है नेक्स्ट डे ओवरनाइट लगभग जो है 3% के आसपास ड्रॉप को नोटिस किया है। तो बैटरी बैकअप सच में काफ़ी बढ़िया है, आपको बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एनीवे अभी फिलहाल यहाँ पर जो एनिमेशन है देख सकते हो, यहाँ पर ऐप ड्रॉअर के साथ भी ब्लर का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू के साथ भी जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ है, एंड क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी काफ़ी स्मूथ यूआई देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से यहाँ पर रन किया था इस रॉम के साथ। यहाँ पर 3DMark के साथ जो है 1137 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। 3DMark वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ इस तरह से स्कोर है। Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 565, मल्टी कोर के साथ 1573 का स्कोर है। एंड यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर के साथ बढ़िया स्कोर है। Geekbench 6.2.0 के साथ जो है Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 743, मल्टी कोर के साथ जो है 1844 का स्कोर देखने को मिल गया है Geekbench 6 के साथ। एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, 10x तक जूम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, HDR मोड AI कैमरा का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है वीडियो स्टेबलेशन के साथ, जो है यहाँ पर 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर 4K 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। प्रो मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस टाइम लैप्स, स्लो मोशन, डुअल वीडियो, 64 मेगापिक्सल ब्लॉक, पैनोरामा, ये सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो रॉम है तो वैनिला बिल्ड है, इसलिए आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करना होगा, प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर राइजिंग ओएस एंड जी एप्स का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके जो है रॉम एंड जी एप्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान जो क्लीन फ्लैश करना होगा एंड फॉर्मेट डाटा करना होगा, एंड लगभग जो है 3 आवर एंड 4 आवर के बाद आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम जो है यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने जीकैम 9.2 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। प्लस जो है चार्जिंग साउंड को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर MI साउंड एनहाइजर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग प्रीसेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। प्लस इस तरह से UI देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के साथ जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, नेटवर्क यहाँ पर जो ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के साथ जो इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल के ऊपर ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। इस तरह से अब यहाँ से जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अभी फिलहाल जो है पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर अपडेट में जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल हो जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा।
एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर गेस्टर्स के साथ जो है क्विक टैप का ऑप्शन है, क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइव कैप्शन, फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह से जो है कैमरा फ्लैश जो है पर काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, वॉल्टी, वाईफाई काम कर जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप राइजिंग ओएस के साथ जो नया वाला जो यूजर इंटरफेस है उसे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस रॉम को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। राइजिंग ओएस के साथ जो है जी एप्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एंड रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग कस्टम रोम का जो वीडियो उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो।